मैं हूं आपके साथ सेजल। इस वक्त की बड़ी खबर। जैसे जैसे चुनावी दिन करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे पार्टियों में सरगर्मियां तेज हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खटीमा में उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष एसएस कलर जी ने आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए बताया कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया विधानसभा के लिए एक वीडियो रिलीज की है, जिसके जरिए हर गांव में हर बूथ पर आम आदमी पार्टी का प्रचार किया जाएगा। इसमें 1,00,000 एक्टिव सदस्य उनके साथ जुड़ेंगे और उत्तराखंड के 30,000 घरों तक पहुंचेंगे। एसएस कलर्जी ने ये भी बताया कि जो आज तक उत्तराखंड सरकार ने नहीं किया, वह हम करके दिखाएंगे। इन्होंने किसान आंदोलन पर कहा कि मोदी सरकार की ये तानाशाही है, आज जो किसान के साथ हो रहा है वो गलत है। के सहारे बीमार को अस्पताल ले जाना पड़ता है। सरकार की इसी विफलता के कारण हर रोज न जाने कितनी ही जाने चली जाती। अगर केजरीवाल सरकार ने 5 सालों में सरकारी अस्पतालों को इतना शानदार नेताओं के संरक्षण में है, अगर केजरीवाल सरकार 5 सालों में प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगा सकती है, तो त्रिवेंद्र सरकार ने क्यों नहीं किया? उत्तराखंड के लोगों का क्या कसूर है? उत्तराखंड सर, आपका नाम? मैं एसएस क्लियर, आम आदमी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड। सर, आपने कितने जिलों से आपने लड़ रहे हैं यहाँ पे विधायक के लिए? 70 की 70 सीटों पे लड़ रहे हैं। हमने परसों हमारे माननीय डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने हर विधानसभा के लिए एक वीडियो वैन रिलीज करी है देहरादून से, और वो हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर बूथ तक पहुंच के आम आदमी पार्टी का प्रचार करेगी, और हम इसमें 1,00,000 एक्टिव सदस्य जो है उसके साथ जोड़ेंगे और उत्तराखंड के लगभग 30,000 घरों तक पहुंचेंगे। और आने वाला जो लक्ष्य है हमारा, हर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी को पहुंचाना और लोगों को बताना कि उत्तराखंड सरकार ने, जो उत्तराखंड में 20 सालों में भाजपा और कांग्रेस ने मिलजुल के सरकार चलाई है, उसने क्या करा है, और अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 5 सालों में दिल्ली की कैसे काया पलट दी है, उसमें दोनों को फर्क दिखाएंगे और हर घर घर तक अरविंद केजरीवाल जी की पॉलिसी हम लेके पहुंचे। और सर जी, आंदोलन का क्या विचार है उसका? देखिए, किसानों का जो आंदोलन है वो बिल्कुल जेन्युइन है, और मोदी सरकार को तानाशाही छोड़ के किसानों का बिल्कुल मान लेना चाहिए, क्योंकि ये किसानों के डेथ वारंट है। और डेथ वारंट में आप कह रहे हो, आप उसमें संशोधन कर लो कि आप सल्फास खा के मरना चाह रहे हो, फांसी लगाना चाह रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। डेथ वारंट डेथ होता है, उसको बिल्कुल कैंसिल होना चाहिए। उसी के फेवर में है, आम आदमी पार्टी किसानों का समर्थन करती है।